हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आई एम अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी सी सैट प्रैक्टिस सीरीज इस सीरीज़ में अभी तक हमने जो है वैसे ही पहले कॉन्सेप्ट्स वीडियोस में देखा कॉन्सेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उसके उसके बाद फिर हमने जो है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ पी भी सॉल्व किए जो कि आपके सी में आ चुके हैं तो वो फुली आपको अच्छा लगा होगा अब आपका कुछ एक दो कंसेप्ट बच जाता है जैसे आपका पमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन है और उसके बाद फिर मैंसूरेशन का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि वॉल्यूम बेस्ड या एरिया बेस्ड जो क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे तो आज वाला जो सेशन है आज का लेक्चर होगा ये पूरी तरह से प्रैक्टिस सेशन है अभी तक आपने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है प्रॉफिट लॉस स्पीड डिस्टेंस सबका बेस आज जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं तो आपको क्या करना है आपको इस वीडियो के पहले एक पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठिए क्वेश्चन को रियल टाइम सिचुएशन जैसे अटैम्प्ट करिए जैसे अगर आप सी सेट में अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे ठीक है और फिर आप देखिए कि अपना आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है क्योंकि काफ़ी कम दिन बचा हुआ है और इस टाइम में सबसे बेस्ट है कि आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आज के जो सेशन में है एक दो क्वेश्चन हमने डिफरेंटली भी लिया है जो कि आपसे मे भी हो सकता है सी सैट में पूछ लिया जाए जैसे एजेस का क्वेश्चन क्योंकि एज एज वाला क्वेश्चन भी अक्सर सी साट में पूछ लिया जाता है तो उसको भी हम आज हमने एक दो क्वेश्चन उसको कंसिडर किया है तो आपको क्या करना है इस सेशन को सबसे अच्छे से यूटिलाइज करना है तो एक पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठे और सारे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें और फिर सोल्यूशन और जो है वो आंसर मैच करें ठीक तो है तो चलिए करते हैं स्टार्ट पहला क्वेश्चन है आपका सम फ्रूट्स आर बॉट एट फिफ्टीन फॉर रुपीज वन फोर्टी एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट फ्रूट At 10 for rupees 120. If all the fruits are sold at rupees 132 per dozen, then what is the profit percent in the entire transaction? ठीक है क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप मॉडरेट से टफ के बीच में रख सकते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछा जाता है कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है तो इस क्वेश्चन को पहले आप अटैम्प्ट करिए और फिर जो है आप इसका सोल्यूशन देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कुछ फ्रूट हैं जिसको क्या किया गया है कि वो फिफ्टीन मतलब जो जिस रेट पर खरीदा गया है किसपे फिफ्टीन पीसेस फॉर रुपीज़ वन यानी आप बता सकते हैं कि एक पीस कितने का पड़ा होगा एक पीस आपका पड़ा होगा वन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन तो अगर आप करेंगे तो थ्री ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट बाई थ्री रूपी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर रुपीज़ ट्वेंटी एट बाई थ्री पर पीस जो है इस फ्रूट का दाम पड़ा है और उसके बाद क्या हुआ है कि एक इक्वल नंबर ऑफ़ फ्रूट जो है वो दूसरा तरीका का क्या ख़रीदा गया है जिसको हम लोग खरीदे हैं टेन मतलब टेन पीसेज फॉर रुपीज़ वन ट्वेंटी यानी एक पीस का कितना पड़ा होगा रुपीज़ ट्वेल्व रुपीज ट्वेल्व पर पीस यानी दो तरह का यहाँ पर देखिए फ्रूट खरीद रहे हैं जिसमें एक फ्रूट का प्राइस है ट्वेंटी एट बाई थ्री और ए एक दूसरा वाला टाइप खरीद रहे हैं उसमें जो है वो ट्वेल्व पर पीस है अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये इक्वल नंबर ऑफ़ खरीदा जा रहा है यानी दोनों जो है वो जैसे आपने पढ़ा होगा वेटेड एवरेज में हमने पढ़ा था कि जब आपको जैसे होता था ना कि एक राइस है या आपने शुगर खरीदा है तो एक ट्वेंटी रुपीज़ पर के ख़रीदा है और दूसरा फोर्टी रुपीज़ पर के जी कर और फिर दोनों को मिक्स कर दिया है तो उनका कंबाइंड सी पी क्या होता था बेसिकली उनका वेटेड एवरेज होता था तो यहाँ पर हमने रेट्स ले रखा है देखिए एक पीस का एक पीस का ट्वेंटी एट बाई थ्री है यहाँ पर एक पीस का रुपीस ट्वेल्व है और दोनों को अगर इक्वल नंबर ऑफ मतलब रेशियो में वन इस टू वन में अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो बताइए फाइनल कॉस्ट ऑफ मतलब इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ वन फ्रूट कितना होगा तो सिंपली है क्या करना है ट्वेंटी एट बाई थ्री प्लस ट्वेल्व क्योंकि वन इज टू वन के रेशियो में डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा तो आप बताइए कितना हो जाएगा जल्दी से फोर्टीन बाई थ्री प्लस सिक्स तो सिक्स थ्रीजा एटीन यानी आपका आ जाएगा थर्टी टू बाई थ्री जो है वो आपका वेटेड आप बोल सकते हैं एक तरह से कॉस्ट है पर फ्रूट ठीक है अब आपने क्या करा है इफ ऑल फ्रूट्स आर सोल्ड एट रुपीज वन थर्टी टू पर डजन यानी एक सौ रुपए में आपने बेचा है पर डजन 12 मतलब 12 फ्रूट्स आपने वन थर्टी में बेच दिया है तो यानी एक फ्रूट का को आपने नेट इफेक्टिव एस आपका कितना हुआ तो हो गया आपका रुपीज इलेवन ठीक है रुपीज इलेवन पर पीस और आपने खरीदा था कितना पे मतलब जो आपका नेट इफेक्टिव आया था तो थर्टी टू बाई थ्री तो आपको क्या करना है सिर्फ इसमें से इलेवन माइनस थर्टी टू बाई थ्री तो आपका आता है वन बाई थ्री इज एक्चुअल दी द प्रॉफिट आपसे क्या पूछा जा रहा है देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है डिवाइडेड बाई सी कर देंगे तो वन बाई डिवाइडेड बाई कितना है आपका सी कितना है यहां पर अगर आप देखेंगे तो थर्टी टू बाई थ्री तो यहां पर से अगर आप हो गया तो यानी वन बाई थर्टी टू इन टू हंड्रेड हो जाएगा आप इसको करेंगे तो फोर एट ट्वेंटी फाइव यानी थ्री होल वन बाई एट परसेंटेज जो है वो आपका प्रॉफिट है तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन वन ठीक है इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया सकता है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था इसी कारण इसको मॉडरेट और टफ में रखा है यहां पर आपको क्या किया जब भी देखिए दो डिफरेंट काइंड ऑफ रेट्स को अगर हम लोग मिक्स करते हैं जैसे अगर जनरली ये जो है फ्रूट्स में नहीं आएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो टाइप का जैसे राइस है एक राइस का प्राइस है ट्वेंटी रुपीज़ पर के जी दूसरा का है थर्टी पर के जी दोनों को हमने रेशियो में अगर इक्वल में अगर मिलाया है जैसे वन इस टू वन में तो सेम ऐसा ही वाला सीन हो जाएगा अगर दूसरे रेशियो में मिलाया होता है जैसे टू इज टू थ्री थ्री इंस टू टू फाइव इस टू एट तो सब बस रेशियोज़ का गेम है आपको क्या करना है उसका वेटेड कॉस्ट निकाल लेना है उसके बाद आपको देखना है कि आपने उसको सेल कितना किया उस पर बेस्ड आपका प्रॉफिट या लॉस होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स 60 आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज ठीक है एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज आर 63 एंड दैट ऑफ गर्ल्स आर 70 व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास अगेन वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है यहां पर क्या है कि देखिए नाइन्टी स्टूडेंट्स हैं सिक्सटी परसेंट आर गर्ल है तो मतलब कितना यहां पर लिख लेते हैं फिफ्टी फोर गर्ल्स हैं और बॉयज कितने हो जाएंगे जल्दी से बताइए थर्टी सिक्स बॉयज अब क्या है एवरेज मार्क्स जो बॉयज का दिया हुआ है वो है सिक्सटी थ्री और गर्ल्स का है सेवेंटी इनका एवरेज मार्क्स दिया हुआ है ठीक है तो हमेशा क्या होता है वेटेड एवरेज का क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाते हैं कि दिस दिस क्वांटिटी इनटू दिस दिस क्वांटिटी इनटू इंटू दिस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो भी यहाँ पर नाइन्टी है तो यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं फिफ्टी फोर इंटू सेवेंटी प्लस थर्टी सिक्स इंटू सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाई नाइन्टी ठीक है चलिए जल्दी से हम लोग करते हैं अगर इसको हम फिफ्टी फोर और नाइन्टी को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितने से हो जाएगा अगर नाइन से करते हैं तो आपका आ जाएगा सिक्स बाई टेन इंटू सेवेंटी प्लस ये हो जाएगा आपका फोर बाई सॉरी हाँ फोर बाई टेन इंटू आपका सिक्सटी थ्री सॉरी सिक्सटी थ्री है आपका तो यहाँ पर इसको जो है हम लोग ऐसे कर देते हैं इसको ओके okay, रहने देते हैं यहाँ पर चलिए तो कितना हो जाएगा सिक्स सेवन फोर्टी टू ये आपका आ जाएगा फोर सिक्स थ्री फोर थ्री ट्वेल्व और वन सिक्स टू फिफ्टी मतलब ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू हो जाएगा तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए सिक्सटी सेवन पॉइंट टू यानी इसका ओवरऑल एवरेज मार्क्स जो है वो इस पूरे क्लास का कितना होगा सिक्सटी सेवन पॉइंट टू तो ऑप्शन थ्री जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है बहुत बेसिक क्वेश्चन था बस वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे सी सैट में पूछ लिया सकता है तो आपको क्या करना है सिर्फ जो यहाँ पर क्वांटिटी है जैसे एक ग्रुप का क्या था आपको एवरेज दिया हुआ था और क्वांटिटी कितने लोग हैं उसमें वो दिया हुआ था अगेन एक दूसरा ग्रुप है जिसका सब समथिंग उसका जैसे मार्क्स है तो यहाँ पर आपका एज भी हो सकता था वेट भी हो सकता था कुछ भी हो सकता है और आपको क्वांटिटी दिया हुआ तो आपको सिर्फ वेटेड एवरेज निकालना था ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो एजेस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है इसके लिए कुछ डिफरेंट क्लास मतलब एक अलग से क्लास करने का जरूरत नहीं क्योंकि एज का क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है आप अगर एक बार दो तीन तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको इसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी करने का जरूरत नहीं है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ मदर एंड दैट ऑफ अ डॉटर इज सेवन इज टू वन ठीक है यहाँ पर जो है मदर और डॉटर का जो है एम मान लेते हैं एम मदर है डॉटर डी है तो इज इक्वल टू कितना देवन इंस टू वन का इनका रेशियो है आफ्टर फाइव इयर्स द रेशियो विल बिकम फोर इंस टू वन तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मदर और डॉटर का जो प्रेजेंट एज है तो सेवन एस टू वन है तो इनका एज एक्चुअली हम लोग मान लेते हैं मदर का सेवन एक्स और डॉटर का एक्स ठीक है अभी भी सेवन एस टू वन के रेशियो में आफ्टर फाइव ईयर्स आफ्टर फाइव ईयर्स एक्चुअली मदर का एज कितना हो जाएगा बताइए सेवन एक्स प्लस फाइव और डॉटर का एज कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस फाइव ठीक है तो उनका रेशियो जो है यही रेशियो जो है सेवन एक्स प्लस फाइव बाई एक्स प्लस फाइव ये दिया हुआ है फोर इस टू वन ठीक है बस आप इसको सॉल्व कर दिए तो सेवन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस ट्वेंटी तो आपका आ जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका फाइव तो आपसे क्या पूछा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंटेज तो डिफरेंट इन देयर प्रेजेंटेज तो मदर का अभी सेवन एक्स है प्रेजेंट और डॉटर का x है तो डिफरेंस कितना हो गया सिक्स एक्स और x का वैल्यू कितना आ गया फाइव तो सिक्स इंटू फाइव कितना आ गया आपका थर्टी तो ऑप्शन टू जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है एजेस का क्वेश्चन इसी तरह का आएगा बहुत सिंपल आएगा प्रेजेंट आपको दे दिया जाएगा आपको प्रेजेंट में रेशियो दे दें फिर फाइव ईयर टेन ईयर्स अहेड या पहले भी पांच ईयर पहले उनका एज का कुछ रेशियो ऐसा दिया हुआ था तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है आप इसको अगर दो तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इस पर बेस कुछ आपको कुछ, कुछ स्पेशल तैयारी नहीं चाहिए लेकिन ये सी सैट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अभी हमने जस्ट स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में पढ़ा था इस तरह का क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना है अ टू फोर्टी मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग एट सिक्स किलोमीटर पर आर इन द सेम डायरेक्शन इन नाइन सेकेंड्स हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल इट टेक टू पास अ थ्री सेवेंटी टू लॉन्ग टनल विद द सेम स्पीड क्वेश्चन बहुत ईजी है क्या है कि स्टार्टिंग में एक ट्रेन है वो उसका लेंथ जो है वो टू फोर्टी मीटर है और ये एक पर्सन है जो कि वॉक कर रहा है सेम डायरेक्शन में सिक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से ठीक है और ये ट्रेन जो है इसको क्रॉस कर जाता है कितने नाइन सेकंड में तो जल्दी जल्दी पता इनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम लोग अगर इसका रिलेटिव स्पीड ले लें तो सिंपली क्या करना है इसमें जो मैन का जो वेलोसिटी या स्पीड है उसको माइनस कर देना है ट्रेन में तो चलिए ट्रेन का हमको नहीं पता है तो उसको मान लेते हैं अभी वी अगर लेकिन यहां पर देखिए मैन का जो वेलोसिटी दिया हुआ इट इज गिवन इन किलोमीटर पर आर पर सारा चीज आपका मीटर और सेकंड में है तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स इंटू हो गया आपका और लेंथ कितना कवर करेगा जो ट्रेन का लेंथ है तो कितना हो जाएगा टू फोर्टी और ये आपका दे दिया गया नाइन सेकेंड आपको सॉल्व करना है तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एटी और ये हो गया थ्री तो एटी इज इक्वल टू आ गया थ्री वी माइनस आपका हो गया फाइव तो थ्री वी इज इक्वल टू आ गया आपका एटी फाइव वी इज इक्वल टू आ गया एटी फाइव बाई थ्री मीटर पर सेकेंड ठीक है इसको यहीं पे यहीं रहने हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अस थ्री सेवन यानी जब टनल टु, टु, ब्रिज इस तरह का चीज जब वो क्रॉस करता था तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता था जो ट्रेन का डिस्टेंस है और जो टनल का डिस्टेंस है तो यानी दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 372 सेवेंटी टू प्लस टू तो कितना आ जाता है आपका टू सेवन फोर ये हो गया और आपका आ गया फोर सिक्स वन टू तो यानी हो गया सिक्स वन टू डिवाइडेड बाई एटी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री बस आपको ये निकालना है तो कितना हो जाएगा सिक्स वन टू इन टू थ्री डिवाइडेड बाई एटी फाइव तो अगर आप इसको देखिए सेवनटीन से करते हैं तो सेवनटीन फाइव जो होगा ये और ये हो जाएगा सेवनटीन थ्री जी थर्टी सिक्स ठीक है तो आपका कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स इंटू सिक्स थ्री ज़ा एटीन वन जीरो एट तो आपका कितना आ जाता है वन जीरो एट को अगर आप फाइव से करते हैं तो फाइव टू जीरो टेन वन थर्टी ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स तो ऑप्शन टू तो तो जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है तो ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स सेकेंड्स लगेगा अगर उसको एक थ्री सेवेंटी टू मीटर लॉन्ग टनल क्रॉस करना है इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किया है ब्रिज टनल पर्सन कोई स्टैंडिंग पर्सन है तो आप जाके स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला लेक्चर देख सकते हैं उसमें हमने हर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो उसको कवर किया है और आपसे ये सी सैट में पूछा भी गया है बहुत रिसेंट ईय में अगेन चलिए फिर वही है अभी जस्ट लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ा था रेसेस का कांसेप्ट टू रेसर्स रन एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट एंड 120 मीटर पर मिनट ठीक है दो रेसर हैं यहाँ पर ऑब्वियसली जो रेस दौड़े होंगे एक का जो है 100 मीटर पर मिनट है दूसरे का जो है 120 मीटर पर मिनट है आपको क्या दिया हुआ है इफ द सेकंड रेसर टेक्स 10 मिनट्स लेस देन द फर्स्ट टू कंप्लीट यानी फर्स्ट केस में अगर टाइम टी मान ले तो दूसरे केस में टी माइनस टेन होता है तो जल्दी से बताइए इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या किया था अगर आपको स्पीड का यहाँ पर रेशियो पता है स्पीड का रेशियो कितना पता है आपका कितना है फाइव इज टू सिक्स है तो टाइम का जो रेशियो होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर सेम है तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा टी बाई टी माइनस टेन जो ये आपका कितना आ जाएगा सिक्स बाई फाइव ठीक है बस आप इसको सॉल्व करिए फाइव टी इज इक्वल टू सिक्स माइनस सिक्स तो आपका आ जाएगा टी इज इक्वल टू आपका 60, यानी टाइम आपका आ गया 60. तो अब आप आपको बस इसको क्या आपसे डिस्टेंस पूछा गया तो आप टी अगर कर करता है किसके आपके जो है यहाँ पर 100 के तो यानी आप कर देंगे 100 मीटर बाय मिनट आपका दिया हुआ है इन टू मिनट तो आपका कितना आता है टोटल सिक्स थाउजेंड मीटर यानी आपका नेट जो आता है वो सिक्स किलोमीटर आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं दूसरा ने टाइम कितना लिया होगा फिफ्टी मिनट लिया होगा क्योंकि टी माइनस टेन और उसके करस्पॉन्डिंग उसका वेलोसिटी कितना है वन ट्वेंटी तो भी आपका जो है वो सिक्स किलोमीटर ही आंसर आता है तो ऑप्शन थ्री जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है बहुत बेसिक क्वेश्चन था बहुत बेसिक लेकिन आपसे सी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है सी सैट में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे ये बेसिकली एक स्मॉल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए क्योंकि अगर देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आता है इसमें क्या होता है कि जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है जो होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यू के बार uh, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है तो इस तरह की छोटे मोटी चीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सी सेट में पूछ लिया जाता है यह भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है तो पहले आप इसको सॉल्व करने का और पी क्यू का वैल्यू दे दिया गया है आपको वैल्यू निकालना है पी क्यूब माइनस एट क्यू क्यूब ठीक है तो जल्दी से बताइए इस तरह क्वेश्चन क्या होगा तो आपको पता होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ठीक है तो बस आपको क्या करना है देखिए आपको पी क्यू माइनस एट क्यू क्यूब का करना है तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं p यहां पर एक्चुअली यहां पर a जो है वो p के बराबर हो गया b जो है वो यहां पर टू क्यू के बराबर हो गया तो यहां इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं पी क्यूब माइनस एट क्यू क्यूब को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं p माइनस टू क्यूब ठीक है अंदर आपके ब्रैकेट के आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा टू पी क्यू प्लस फोर क्यू स्क्वायर ठीक है ये आपका आ गया अब देखिए आपको क्या क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको वैल्यू किस चीज का दिया हुआ है क्योंकि आपको उसी को उसमें कन्वर्ट करके आंसर लाना पड़ेगा देखिए आपको पी माइनस टू क्यू का वैल्यू दिया हुआ है थ्री तो यहां पर मेरे पास बाहर तो पी माइनस टू क्यू है लेकिन अंदर हम लोग को पी माइनस टू क्यू का कुछ फॉर्म मिल जाए और पी क्यू का भी फॉर्म मिल जाए क्योंकि पी क्यू का भी वैल्यू हमको पता है तो पी माइनस टू क्यू क्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं बाहर लिखेंगे थ्री और अंदर देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग क्या करें इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें पी माइनस टू क्यू का होल स्क्वायर तो मेरा आंसर आ जाएगा क्योंकि हमको पी माइनस टू क्यूब का वैल्यू पता है जो कि है थ्री टू यहां पर अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं पी स्क्वायर प्लस फोर पी स्क्वायर तो और माइनस क्या हो जाएगा माइनस फोर पी क्यू करेंगे ऐसे देखिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं पी स्क्वायर ठीक है प्लस फोर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू ठीक है और क्योंकि आपने माइनस फोर पी क्यू किया है तो आपको नेट फिर प्लस फोर पी क्यू भी करना पड़ेगा तो प्लस फोर पी क्यू प्लस टू पी क्यू ठीक है अब आपको कितना आ जाएगा थ्री तो अंदर आप देखिए क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं पी माइनस टू क्यू का होल स्क्वायर ठीक है और प्लस कितना आ जाएगा आपका सिक्स पी क्यू बस आपको इसको सॉल्व करना है देखिए सबका वैल्यू पुट कर दीजिए तो पी माइनस टू क्यू का वैल्यू कितना है थ्री तो कितना हो जाएगा देखिए थ्री अंडर में आ गया आपका नाइन नाइन प्लस सिक्स पी क्यू आपका कितना है फाइव है वैल्यू तो सिक्स कितना हो गया सिक्स पी क्यू मतलब सिक्स फाइव था थर्टी तो यानी कितना हो जाएगा ये थर्टी हो गया तो ये आपका हो गया थर्टी नाइन इंटू थ्री तो थर्टी नाइन इंटू थ्री करेंगे तो नाइन थ्री आ ट्वेंटी सेवन टू थ्री थ्री नाइन वन वन सेवन तो आपका ऑप्शन थ्री जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है एक ये एग्जाम्पल लिया गया था कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे सी सैट में पूछा जाता है जहाँ पर बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी आप जैसे एक्सपैंड करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू कुछ कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए और ये आप थ्रू क्वेश्चन जो है वो सीख सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए ये भी कंसेप्ट है आपका वही एल्जेब्रिक uh, एक्सपेंशन का क्वेश्चन है ये लेकिन इसमें क्या है रिमाइंडर आपसे पूछा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 27 रेज टू द पावर 27 सेवन माइनस फिफ्टीन रेज टू द पावर 27 इज डिवाइडेड बाय 6 ठीक है तो बताइए क्या होगा देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको बस क्या करना है पहले लिख देते हैं ट्वेंटी सेवन रेस टू दावर ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टीन रेस टू दावर ट्वेंटी सेवन और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं सिक्स से है, तो आपको बताना है रिमाइंडर अब देखिए इस तरह का एक्सपेंशन जब भी होता है जहां पर आपका पावर्स ऑड रहता है जैसे हमने देखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब में तो ए माइनस बी हमने लिखा था और फिर ब्रैकेट के सबने समथिंग समथिंग कुछ कुछ था ठीक है वैसे ही आप ए रेस्ट टू दावर एन माइनस बी रेस्ट पावर एन जहां पर एन ऑड है उसको आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं ए माइनस बी और उसके बाद ब्रैकेट में समथिंग कुछ भी हो सब लोग को मतलब नहीं है तो सेम यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर माइनस फिफ्टीन रेस्ट टू द्वेंटी सेवन है, है यानी इसको क्या आप लिख सकते हैं

ठीक है ट्वेल्व इंटू समय डिवाइडेड बाई सिक्स तो जब ट्वेल्व इंटू सम है तो ऊपर वाला क्वांटिटी डेफिनेटली सिक्स से तो डिविजिबल होगा क्योंकि उसमें ट्वेल्व आ गया है तो ट्वेल्व आ गया है तो जब आपका डिविजिबल है तो उस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा जीरो तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है बस एक क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था आपको इस तरह का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई करने आना चाहिए क्योंकि इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं आप एलजेप्रिक एक्सपेंशन कर रहे हैं और कुछ बेसिक एक्सपेंशन जो है वो आपको आने चाहिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बोट ट्रिप वाला क्वेश्चन है इसको भी आपको सॉल्व करना है बोट कवर्स अराउंड राउंड इसने हमने कर रखा है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन कुछ नहीं करना है अगर आपको पता है कि राउंड ट्रिप में टाइम टी है तो आपको उसका हमने डायरेक्टली रिलेशन भी लिखने बताया था तो क्या करना है वहां पर आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अब बोट कवर्स अ राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन अ रिवर इन टेना टी आर्स इफ इट स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम्स टू टाइम्स इट शुड टेक एट्टी बाई वन सिक्स वन टी फॉर द सेम जर्नी फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू द वाटर ऑफ द रिवर देखिए आप क्या यहाँ पर ए है और ये पॉइंट बी है ठीक है अब क्या यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है चलिए ऊपर जाने वाला को डाउनस्ट्रीम मान लेते हैं और आने वाले को अपस्ट्रीम मान लेते हैं डाउन तो स्ट्रीम में कितना हो जाएगा यू प्लस वी और अपस्ट्रीम में कितना हो जाएगा यू माइनस वी आपको पता है यू क्या है आपका वेलोसिटी इन ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और वी जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम तो इस केस में बताइए टोटल टाइम जो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते थे वो क्या लिखते थे डिस्टेंस का फॉर्मुला क्या होता था यू स्क्वायर राउंड ट्रिप में ठीक तो है अब देखिए दोनों क्या करा है? जैसे दूसरे केस में क्या हो रहा है तो सेकंड okay, केस में डिस्टेंस हम लोग क्या लिखेंगे यू के जगह आप टू यू पुट कर दिए तो कितना हो जाएगा फोर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई फोर यू और इस टाइम में जो टोटल टाइम लगता है वो कितना हो जाता है 80 बाई वन सिक्स वन इंटू टी जो ये टी है ठीक है बस दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से करते हैं देखिए यू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू इंटू टी फोर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर यू इंटू एटी बाय वन सिक्स वन बस क्या किया है कुछ कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है टी टी जो है आपका कैंसिल हो गया टू यू है तो यहाँ पर कितना होगा ट्वाइस और ये हो जाएगा आपका फोर्टी तो यानी आपका आ जाएगा 161 सिक्सटी वन यू स्क्वायर माइनस वन सिक्सटी वन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका आ, हो जाएगा 160 सिक्सटी यू स्क्वायर माइनस फोर्टी वी स्क्वायर ठीक है तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका वन ट्वेंटी वन वी स्क्वायर यानी यू बाई वी का कितना आ जाएगा वैल्यू यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का वैल्यू पहले लिख देते हैं वन बाई वन टू वन तो यानी यू बाई वी का वैल्यू कितना होगा वन इज़ टू इलेवन तो आपका ऑप्शन कौन सा है सही ऑप्शन है फोर बिल्कुल आपका सही ठीक okay? है बस इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सी सैट में भी जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करिए क्योंकि रीअरेंजमेंट पर ही बेस क्वेश्चन होता है बाकी कंसेप्ट जो है वो सेम है अब ये फॉर्मूला आपने कैसे हमने लिखा है अगर आपको नहीं पता है तो हमारा जो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला लेक्चर है जो हमने जस्ट करा है दो लेक्चर पीछे आप जाके देख सकते हैं वहां पर हमने देखा था कि अगर आपको राउंड ट्रिप का टाइम टोटल टाइम दे दिया तो उस केस में आप डिस्टेंस को डायरेक्टली ये लिख सकते हैं ठीक है और अगर आपको डिफरेंस दे दिया है अगर राउंड ट्रिप में अगर गया है और आने जाने का डिफरेंस होता था तो उस केस में हम लोग क्या लिखते थे सिर्फ यहां पर नीचे यू के वी आ जाता था बाकी सब कुछ सेम रहता था, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है है। आपसे पूछा जाता डिविजिबिलिटी हमने पढ़ रखा है इफ अ नाइन डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली बहुत क्वेश्चन है ठीक है तो अब देखिए यहां पर से हम लोग पहले फाइव से देखते हैं अगर फाइव से ये नंबर डिविजिबल होगा तो ऑप्शन क्या क्या है वाई का ऑप्शन क्या क्या है या तो वो जीरो होगा या तो फाइव होगा क्योंकि फाइव का जो भी मल्टीपल होता है या तो उसके जो लास्ट डिजिट वो जीरो होता है या तो फाइव होता है तो अब यहां पर अगर वा, वा, वा हम लोग लेंगे तो अगेन ये एट से डिविजिबल नहीं हुआ क्योंकि एट के आप मल्टीपल में कहीं पर भी देखिए कि लास्ट में जो है वो फाइव नहीं आता है तो एट यानी वाई का जो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइव है वो तो चला गया यानी वाई का जो है वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जीरो हो सकता है तो सबसे पहले ही आपने पहले ही बार में क्या किया दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कौन कौन सा बताइए ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर और ऑप्शन आपका जो है 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 वो एलिमिनेट हो चुका है। तो बचा है क्या एंड अब यहां पर देखिए क्या है La, क्या है डिविजिबिलिटी uh, दूसरा क्या है एट से चेक करना है तो लास्ट डिविजिबिलिटी जब भी आप जानते हैं या फोर का या सिक्सटीन का हमने पढ़ा था तो एट के केस में क्या होता है कि लास्ट थ्री डिजिट जो है वो एट से डिविजिबल होना चाहिए तो यहां पर देखिए क्या है सेवन एक्स और हम लोग जीरो लिख देते हैं क्योंकि y का जो वैल्यू जीरो है उसको हमने सॉर्ट आउट कर चुका है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब आपके लिए ऑप्शन क्या बचता है एक्स का बताइए तो एक्स का सबसे पहला ऑप्शन जरूर होगा आपका बताइए टू क्योंकि आप जानते हैं सेवन टू जीरो जो है वो दैट इज डिविजिबल बाय दूसरा क्या वैल्यू होगा सेवन सिक्स जीरो और आपसे पूछा क्या जा रहा है

जिसमें हमने क्वेश्चन जो हमने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा आपके परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी हम लोग क्या करेंगे बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन इज बेसिकली सिलेक्शन और परमोटेशन इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग इस पर भी बेस सॉल्व करेंगे क्योंकि देखिए सी सेट में इससे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर बैकग्राउंड में आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है तब तक आप क्या करिए क्योंकि आपका बहुत कम दिन बचा हुआ एग्जाम में तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि कंसेप्ट अब आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा अगर नहीं हुआ है अगर आपको थोड़ा सा थोड़ा बहुत और क्लैरिटी चाहिए तो हमारा जो स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब का जो लेक्चर है वहां पर आप जाके देख सकते हैं वहां पर क्वांट का जो सेक्शन बना हुआ है वहाँ पर मैंने सारा कंसेप्ट जो है वो बहुत डिटेल में करा रखा है वहां पर वो थोड़ा सा एस ओरिएंटेड जो है वो लेक्चर्स है लेकिन अगर आपको इन डेप्थ थोड़ा सा नॉलेज चाहिए अगर आप चाहते हैं कि क्वांट को थोड़ा सा अच्छे से फील करें पढ़ाई का जो है कंसेप्ट क्योंकि आप कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा मजा आता है तो आप वहां पर जाके उस चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक थैंक यू